और उस वक्त की बड़ी खबर लगातार नमस्ते भारत में जारी है। महाराष्ट्र का जो सियासी संकट है वो पूरी तरीके से फिलहाल गुवाहाटी शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि गुवाहाटी पहुंच चुके हैं शिवसेना के बागी विधायक, साथ में जो निर्दलीय विधायक हैं वो सभी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट से अब उनको होटल लेकर जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इन सबके बीच, एकनाथ शिंदे जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि हमारे साथ 40 विधायक आए हैं, और उन्होंने कहा कि शिवसेना के 40 विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जो तस्वीर जारी की गई उसमें तो 32 विधायक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये संख्या बढ़कर 40 कैसे हो गई, बाकी कौन से विधायक हैं, इस पर भी अपने सहयोगियों से जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके से महाविकास अघाड़ी की जो गाड़ी है वो इचकोले खा रही है वो बता रही है तस्वीर, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने दावे के अनुसार 40 विधायकों को लेकर पहुंच चुके हैं इस वक्त गुवाहाटी, और सभी रास्ते में है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल लगातार उस कॉन्वॉय के साथ मौजूद हैं जिसमें उन तमाम विधायकों को लेकर होटल की तरफ जाया जा रहा है। मनोज्ञा, तस्वीरें हम देख रहे हैं तमाम विधायकों को लेकर जाने वाले कॉन्वॉय की, आप उसके साथ हैं, कितना और वक्त लगेगा होटल पहुंचने में? मुश्किल से 3 से 4 मिनट और उसी के अंदर पहुंच जाएंगे होटल, और जहां पर ये सारा उसके आगे का प्रकरण शुरू होगा। यानी कि इस समय जो आप गाड़ियां भी देख रहे हैं, ये गाड़ियां जितनी विधायकों की हैं उसी के साथ साथ पुलिस की हैं, और पुलिस के साथ चारों ओर से घेर कर कॉन्वॉय को ले जाया जा रहा है। गाड़ियों में आगे भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि विजुअल्स और सारी तस्वीरें हो जाएं, लेकिन गाड़ियां, ये जो आपको 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय दिख रहा है उसमें अधिकतर आला पुलिस के अधिकारी हैं और आला नेता, यानी कि अब आने वाले कुछ घंटों में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी वो सारे नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। जी मनोज्ञा, तस्वीरें आप एंट्री हो रही है, आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें होटल में घुसते हुए गाड़ियों की घुसते हुए, पूरे कॉन्वॉय की घुसते हुए इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पूरी की पूरी बस और उसके साथ साथ गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय अंदर जाते हुए, और अंदर जाकर अब जो 40 विधायक यहाँ पहुँचे हैं जिसकी पुष्टि हुई है कि 40 विधायक कुल मिलाकर आए हैं, और अब वो अंदर जाकर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि पहले चेक इन और उसके बाद मीटिंग्स और बैठकों का दौर कि आने वाले कुछ घंटों में कौन किस तरफ कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या राजनीतिक कदम होंगे। जी जाहिर सी बात है, कल रात से ही अफरा तफरी का माहौल है, कल रात 11 बजे के बाद से ही सूरत से ही अफरा तफरी शुरू हो गई थी। अब ये विधायक होटल पहुंचे, थोड़ा वक्त लगेगा, शायद आराम भी करें और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। हो सकता है कुछ बड़े नेता भी वहां पहुंचे, खास करके बीजेपी के जो कयास लगाए जा रहे हैं, और फिर आगे क्या रणनीति होगी वो भी सामने आएगी, उस पर भी मनोज्ञा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो एकनाथ शिंदे ने खड़ा किया गुवाहाटी एयरपोर्ट पर कि हमारे साथ 40 विधायक हैं, हम 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी पहुंचे हैं। रौनक कुकड़े, मुझे एक बात बताइए, तस्वीरें 32 की आती हैं, कयास बार बार लगाए जाते रहे 32, 34, 35, और अब एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचकर दावा करते हैं कि 40 विधायक हैं हमारे साथ, तो ये जो बड़ी संख्या है कौन से विधायक हैं ये? अजी निश्चित तौर पर जो जानकारी एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 40 विधायक उनके साथ है, मुख्य तौर पर जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ विधायक जो कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में मौजूद थे वे भी एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से संजय राठौड़ एक पहला नाम बताया जा रहा है जो एकनाथ शिंदे के साथ उनके समर्थन के तौर पर वहां पर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा संतोष बांगर का नाम बताया जा रहा है, दादा भूसे का नाम बताया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दादा भूसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, वे भी एक शिंदे के साथ जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा अब्दुल सत्तार, ये भी महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री है, कांग्रेस से शिवसेना में आए थे चुनाव के पहले, और ये भी अब एकनाथ शिंदे के समर्थक बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है कि 40 विधायक उनके साथ है, कुछ विधायक जो है वे मुंबई से सीधे गुवाहाटी की तरफ देर रात को निकले, इस तरह की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि जो है वो होती हुई दिख रही है। जी मुझे एक बात बताइए, जो नाम आपने बताया दादा भोसे हो या तमाम लोग हों, ये कल क्या उस बैठक में मौजूद थे, उद्धव ठाकरे की बैठक में मौजूद थे? क्योंकि एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने ये दावा किया कि मैं 40 विधायकों को लेकर आया हूं, इसीलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या कल ये विधायक वहां मौजूद थे, उसके बाद ये सूरत या गुवाहाटी पहुंचे? जी देखिए, कल जिन जिन नामों का जिक्र मैंने किया जिनमें दादा भूसे, संतोष बांगर
और संजय राठौड़, ये कल उद्धव ठाकरे के साथ जो बैठक हुई थी वहां पर मौजूद थे। और जो मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी, तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने, पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के सामने ये प्रस्ताव भी रखा कि जो बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं दरअसल उस पर आपने गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में रहकर शिवसेना के विधायकों का बेहद नुकसान हुआ है। जो फंड होता है जिसे डेवलपमेंट फंड कहा जाता है, विधायकों को जो दिया जाता है उसको लेकर दूजा भाव किया जा रहा है। और ये लगातार जो विधायक है शिवसेना के, उनकी बात जो है रह रहकर सामने आती रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया और आज इस तरह की नौबत जो है देखने मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो 40 विधायकों का दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है उसमें ये नाम भी शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और होटल के बाहर से लगातार हमें अपडेट दे रही है हमारी सहयोगी मनोज्ञा। मनोज्ञा अभी क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप? देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि हो गई है कि 33 विधायक शिवसेना के हैं और 7 निर्दलीय विधायक हैं। जो 40 विधायक आए हैं और दोनों मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनके आला मंत्रियों में से गिने जाते हैं और उनके करीबी गिने जाने वाले पीयूष हजारिका, दोनों इस समय होटल में हैं। इसी होटल में यानी कि रेडिसन ब्लू में अब आगे की अगली कवायद होगी, जहाँ पर बैठकों का दौर और उसके साथ साथ अगले प्रकरण पर जानकारी आपको हम देते रहेंगे। पल पल की हर खबर आपको एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन अभी की सबसे बड़ी ये खबर है कि 33 विधायक हैं शिवसेना के और 7 विधायक निर्दलीय, 40 विधायक इस समय रेडिसन ब्लू में आ चुके हैं। और अब चेक इन के बाद अगली मिठाई और अगली बैठकों का दौर, जो पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं ये आपको बता रहे हैं, ये कहकर कि बहुत जल्द ही बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। ये पार्टी सूत्र का कहना है कि इंतजार करिए, बड़े फैसले जल्द होने वाले हैं। तो क्या मनोज्ञा ये माना जाए कि बातचीत के अब हर रास्ते बंद हो चुके हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार का जाना तय है? देखिए अगर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर किसी और के घर, यानी कि अपने घर को छोड़कर महाराष्ट्र छोड़कर पहले सूरत और सूरत के बाद आज यहाँ असम आ जाती है और ये पूरी टीम पूरे कैमरे में है, तो इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बागी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। बट हैव दे बर्न देयर ब्रिजेस, यानी कि अपने पिछले रास्ते को भी पूरी तरह से बंद करके आ गए हैं कि नहीं, उसमें ये बात की सफाई इस तरह से आ जाती है कि क्या रास्ते बंद हो चुके हैं, क्या हाँ बातचीत के कई रास्ते बंद हो चुके हैं ये कहने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पीछे जाने का कोई रास्ता अब नहीं बचा है वैसे ही बातचीत करने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। आज इस एक्शन में, यानी कि एक्शन पैक्ड इस होटल में आज फैसले कई सारे होने हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को पूर्वोत्तर का तो मास्टरमाइंड माना ही जाता है, लेकिन आज क्या वो पश्चिम में भी अपनी पैठ उसी तरह बना लेंगे? तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र से आए हुए ये सारे विधायक अब क्या यहाँ से ही इस्तीफा या फिर सीधा राजभवन, ये दो बातें हैं ये पार्टी के सूत्रों से पता लग रही हैं और पार्टी के सूत्र ही कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, कई बड़े फैसले होने वाले हैं। मनोज्ञा बड़ी अहम तस्वीरें हो जाती हैं जो आप इस वक्त दिखा रही हैं, क्योंकि सबकी नजर महाराष्ट्र पर लगी हुई है कि आखिर वहां क्या होगा। लगातार देश की राजनीति, केंद्र की राजनीति को आप करीब से देखती रही हैं, राज्यों में किस तरह से राजनीति होती है, बाड़ेबंदी किस तरह से होती है, वक्त जरूरत पर लोग पाला कैसे बदलते हैं, सब आप देखती रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें मैं चाहूंगा थोड़ा आप दर्शकों को समझाएं कि कैसे अलग हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह की मल्टीलेयर सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, इंतजाम देख रहे हैं, जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आनन फानन में विधायकों को ले जाया गया, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि जिस ऑपरेशन का जिक्र आप शुरुआत में कर रही थी, ऑपरेशन लोटस का, इसके लिए पूरी कवायद और लंबे वक्त से चल रही थी ये कवायद। जी बिल्कुल, और ये तैयारियां आज नहीं हुई हैं, ये पूरी रात चली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कमिश्नर गुवाहाटी के हरबीत सिंह और उसके साथ साथ एडिशनल स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह, ये लगातार एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय होटल के बाहर ये 3 लेयर सिक्योरिटी थी, सिर्फ गेट के बाहर है। और सिक्योरिटी को ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति, जाने की अनुमति दोनों नहीं है, यानी कि अगर आप अंदर गए हैं तो भी आप अनुमति से ही बाहर आएंगे और जाने की तो परमिशन है ही नहीं। जो प्राइवेट बुकिंग्स थी वो सब कैंसिल करा दी गई हैं, इसका खर्च भी कैसे उठेगा इसकी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रेडिसन ने फिलहाल अपनी सारी बुकिंग्स क्लोज कर दी हैं अगले 2 दिन के लिए। और सारे आला अधिकारी इस समय आपको यहाँ पे, मैं पुलिस के आला अधिकारियों को दिखा रही हूँ, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पर ना तो सिर्फ यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं बल्कि ये भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी, एक्स्ट्रा गाड़ी, कोई भी व्यक्ति ना आ सके। देखिए जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि क्यों इसे
इसे किले में तब्दील कर दिया गया है। इस होटल को किले में तब्दील करने का फायदा ये है कि इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं घुस पाएगा और उसके साथ साथ जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी मॉनिटरिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए इन 40 विधायकों से मिलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। बिल्कुल मनोज्ञा, आपके जरिए हम लगातार तस्वीरें एबीपी न्यूज दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्या शिंदे को मनाने की उद्धव की हर कोशिश नाकाम हो गई है। दूसरा सवाल, शिंदे का 40 विधायकों का दावा सही तो क्या पार्टी उद्धव के हाथ से निकल गई है? क्या उद्धव ठाकरे की हार तय हो गई जिस तरह 40 विधायकों के साथ का एकनाथ शिंदे का दावा है? और क्या यहां ठाकरे परिवार की लेगेसी का अंत हो गया है? तो उद्धव सरकार पर एक खतरा और गंभीर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की तरह क्या ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल यहां कामयाब हो गया है महाराष्ट्र में? मनोज्ञा, जिस तरीके से आपने बताया कि अब जो एक कदम बागी ब्रिगेड जो शिवसेना की है या उद्धव ठाकरे की है वो एक कदम आगे बढ़ चुकी है, आज कैबिनेट की बैठक भी है, लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार ये बात दोहराते रहे कि वो बाला साहब की विचारधारा पर टिके हैं, उनके हिंदुत्व पर टिके हुए हैं। देखिए, यही बात है कि अब हिंदुत्व क्यों, जब इतने साल से लगातार एक सरकार चल रही थी तो अब हिंदुत्व क्यों? क्या बीएमसी चुनाव है इसलिए, या लोकसभा चुनाव सर पर आ रहे हैं इसलिए, या फिर हिंदुत्व की याद बहुत ज़्यादा आ गई है? शिवसेना की ये राजनीति बहुत बड़ी राजनीति और बहुत बड़ा कदम होगा महाराष्ट्र की राजनीति में भी, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ से वहाँ तक नहीं है, ये बात है बीजेपी के लिए भी एक बड़ा टर्न अराउंड करने की। जहाँ पर जिस सरकार में वो बना नहीं पाए थे, अपनी जगह नहीं बैठ कर पाए थे, लेकिन वहाँ पर अभी ऐसे देखिए आपको मैं बहुत सारे लोग दिखा रही हूँ जिनकी गाड़ियां हैं, ये तो वही एयरक्राफ्ट के क्रू हैं जो स्पेशल एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं सारे विधायकों को, उनका ही क्रू इसी होटल में बुक्ड है। तो अब आपको एक बात और राजनीतिक तौर पर बतानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा छात्र राजनीति, छात्र संगठन से आए हैं, ऐसे में उनका एक स्टाइल असम ही क्यों, आज का डिस्कशन का एक बहुत बड़ा महत्व असम का हो जाता है, क्योंकि गुवाहाटी असम में कनेक्टिविटी सिर्फ गुवाहाटी की है, कहीं और आगे भी हो सकता था शिलोंग हो सकता था। अगर चार्टर एयरक्राफ्ट है तो आप कहीं भी उतार सकते हैं पूरे देश में, उसकी आपको सिर्फ परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन जो चुनाव किया गया है इस स्थान का, इस जगह का, इस लोकेशन का, ये भी अपने आप में इसीलिए, क्योंकि ये तस्वीर मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये वो भी बयां कर देती है कि किस तरह से इसको किले में तब्दील कर दिया गया है। और इस किले में तब्दील किए हुए इस होटल की तैयारियाँ, यानी कि इस होटल को किस तरह से मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में जो तैनात कर दिया गया है, ये अपने आप में बता रहा है कि राजनीतिक अखाड़ा, अब ये क्रू की गाड़ी भी आकर रुकी हुई है, तो एक एक गाड़ी एक एक व्यक्ति के लिए, जिसे कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, कुछ ऐसा ही माहौल, कुछ ऐसा ही इस समय सिचुएशन हो रखी है रेडिसन ब्लू होटल में। इस होटल की सारी बुकिंग्स कैंसिल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विधायकों को अब अनुमति है जो है यहाँ पर 40, अंदर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं, अंदर ही पीयूष हजारिका हैं, मास्टरमाइंड माने जाते हैं, जितनी जोड़ तोड़ पूर्वोत्तर भारत में की गई है, भले ही उसके लिए साम दाम दंड भेद हर प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। जब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि साम दाम दंड भेद राजनीति का एक हिस्सा होता है, और इसी के तहत इस ऑपरेशन को किस तरह से आगे अंजाम दिया जा रहा है, इसी के तहत क्या सरकार में परिवर्तन हो जाएगा या फिर एक कदम पीछे जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये 40 विधायक आगे बढ़ गए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वापस जाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। वो कहते हैं ना, अगर कांच में एक दरार आ जाए तो कांच दोबारा चेहरा देखने लायक नहीं होता, और ये दरार तो पूरी तरह से सामने है, यानी कि पूरी दुनिया के सामने है कि सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री और उनके कई आला मंत्रियों के बीच में, उनके घटक दलों के बीच में ही दरार आ गई है, और इस दरार को अब बीजेपी यहां पर अपने साथ संगठित करके एक करार स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला, उतनी ही दिलचस्प राजनीति, और ठीक उसी तरह ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जंग है जो बीजेपी के साथ हो सकता है शिवसेना की मदद से वो जीत जाए। लेकिन मनोज्ञा, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ दूसरे नेता भी बीजेपी के मौजूद हैं, तो अब कम से कम ये तो साफ हो गया कि जो पूरी पिच मैच के लिए बनाई गई वो बीजेपी की तरफ से पूरी लंबी कवायद थी। अब यहाँ पर रोल हेमंत बिस्व शर्मा का भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो अभी जो दावा किया जा रहा है कि 40 विधायक पहुंचे हैं, उनको एक साथ मैनेज करके रखना और स्थितियों को इस अनुसार रखना कि जो बीजेपी चाहती है करना महाराष्ट्र में वो आसानी से हो जाए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दूसरी बात ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि
आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखना ये भी राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि शत्रु क्या कर रहा है, दुश्मन क्या कर रहा है, ये जानकारी रखना उतना ही जरूरी है अपनी रणनीति तय करने में। बीजेपी ये बखूबी जानती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह का कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र के किसी सरकार के ऑपरेशन को पूर्वोत्तर भारत में अंजाम दिया जा रहा हो या फिर यहाँ पर उसकी रणनीति पूरी तरह से फाइनल की जा रही हो। ऐसा नहीं है कि रणनीति आज होटल में तय हो रही है, इसमें बहुत सारा हिस्सा है जो तय हो चुका है। इसमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा है, ये जानते हुए कि यहाँ पर अगर लाकर इन 40 विधायकों को आज रख दिया जिसमें 7 निर्दलीय और उनके साथ साथ 33 शिवसेना के विधायक हैं, तो क्या वो जादुई आंकड़ा बीजेपी पार कर जाएगी, 146 पहुंच जाएगी, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। और ये जादुई आंकड़ा ही है जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है दोनों के लिए, यानी कि एक और अघाड़ी सरकार के लिए तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए भी। बीजेपी ये जानती है कि अब इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, और हड़बड़ी यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि राजनीति में अगर एक रणनीति गलत हो जाए तो बड़ा लंबा नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने राजनीति में हार नहीं देखी है, केंद्र सरकार में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से हार गई थी और इतिहास बना था। तो एक एक वोट की कीमत, एक एक विधायक की कीमत बीजेपी बखूबी जानती है, और इस बार रणनीति को फूल प्रूफ रखने के लिए ही इसे किले में तब्दील करके यहाँ पर विधायकों को रखा गया है कि आगे का जो कदम होगा वो ठीक उसी तरह से वो ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। एक बड़ा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो भी क्या उनके आने की बात है? यस, हो सकता है कि वो आए, उनके साथ और भी बाकी सारे नेता जो इस समय बड़ी भूमिका निभा रहे हैं संगठन के तौर पर बीजेपी से, और उसके साथ साथ बातचीत में। लेकिन बातचीत में वो ऐसी कौन सी बातें होंगी जिस पर शिवसेना के सारे विधायक एक मत होकर शिंदे के साथ आगे निकल जाएंगे, आज उस पर भी फैसला होना जरूरी है। उनके कद में, उनके पद में या फिर उनकी राजनीति पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये कदम उठा लिया तो क्या उसमें पीछे हटने की कोई जगह है, या फिर ये कदम इतना जरूरी हो गया था कि उसे उठाना इतना जरूरी हो गया था कि अब पीछे रह जाने के लिए इन 40 विधायकों के लिए कोई जगह नहीं बची है, खासतौर से शिवसेना के लिए, क्योंकि शिवसेना की बहुत बड़ी राजनीति हिंदुत्व पर टिकी हुई है। हिंदुत्व आइडियोलॉजिकली भले ही बीजेपी के साथ हो, शिवसेना की राजनीति, लेकिन जब सरकार बनी थी तो ठीक आइडियोलॉजी के विपरीत जाकर बनी थी, जिस पर कई सवाल भी उठे थे। सरकार पर अब क्या काले बादल मंडरा रहे हैं? फिलहाल मैं ये कहूँ कि गुवाहाटी में मौसम आज बारिश का है, बाढ़ से पूरा इलाका प्रभावित है, लेकिन इस समय राजनीति के खबरों की बाढ़ गुवाहाटी में आ गई है। जब एक और 33 जिलों में से बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहाँ दूसरी और राजनीति भी उसी तरह से प्रभावित हो रही है और कर रही है। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल दो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें, होटल के अंदर की तस्वीरें जहां पर विधायक मौजूद थे, और ये सूरत की तस्वीरें हैं, और इस तस्वीर में लगभग 32 से 33 विधायक नजर आए थे, लेकिन जब एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचे विधायकों के साथ, तो उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। होटल के बाहर की जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल रेडिसन के अंदर विधायक पहुंच चुके हैं, चेक इन का काम चल रहा है, लेकिन गुजरात के सूरत से असम के गुवाहाटी तक बड़ी बातें क्या रही? उद्धव पार्टी बचाने में कामयाब नहीं हो सके, नाकाम रहे ठाकरे सरकार पर यह सबसे बड़ा सियासी संकट अब मंडरा रहा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव की बात नहीं मानी, बता दें कि इसके पहले बात हुई थी लेकिन कोई बात नहीं बनी। शिंदे गुट असली शिवसेना का दावा कर सकता है। इसके पहले एयरपोर्ट पर भी एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या शिवसेना पर ठाकरे परिवार का एकाधिकार खत्म? बड़ा सवाल ये, और ये बड़ी बातें आपको बता रही है। पार्टी को एकजुट रखने में क्या उद्धव नाकाम साबित हुए? क्योंकि जद्दोजहद उन्होंने भी की, मुलाकात उन्होंने भी की, अब आज भी बैठक होनी है, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनाने के लगभग करीब पहुंच चुकी है। सूरत से गुवाहाटी तक बागियों को बीजेपी का साथ मिला है। सूरत के बाद गुवाहाटी में भी बीजेपी बागियों का स्वागत कर रही है, और ये माना जा रहा है कि आज भी इसी होटल में बड़े नेता बीजेपी के पहुंचकर बात कर सकते हैं। वहीं जब गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे एकनाथ शिंदे तो क्या कहा, क्या दावा किया, सुनाते हैं आपको। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है, और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस, और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए
शिंदे जी मराठी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघते। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA है आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे के इसी बयान ने सनसनी बढ़ाने का काम किया, क्योंकि जो सूरत के होटल से तस्वीरें सामने आई थी उसमें 32 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक नजर आए थे। लेकिन अब यहां गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 40 विधायक हैं और हमारे सहयोगी मनोज्ञा ने भी ये बताया है कि 33 विधायक शिवसेना के और 7 निर्दलीय विधायक यहाँ रेडिसन ब्लू गुवाहाटी के इस होटल में मौजूद है, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह यहाँ पर 3-लेयर सिक्योरिटी जो गेट के बाहर आपको नजर आ रही है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसके अलावा जो पहले प्रीवियस बुकिंग से तमाम वो कैंसिल कर दी गई हैं और अब आगे भी किसी और को बुकिंग की कोई भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हैं और साथ ही पीयूष हजारिका भी अंदर मौजूद हैं और किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि असम में ऑपरेशन लोटस अगर सरजमी में कामयाब होता है तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हेमंत बिस्व शर्मा की, क्योंकि जो चुनाव किया गया इस प्रदेश का यहां पर सूरत से शिवसेना के बागी विधायकों को शिफ्ट करने का उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी और इस रणनीति पर लंबे समय से काम किया जा रहा था। वहीं आज मुंबई में उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से, महाविकास अघाड़ी के भविष्य के लिहाज से, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा कि आर या पार। हालांकि जो जिस तरीके से तेवर नजर आए एकनाथ शिंदे के और बागी विधायकों के, वो ये साफ कर रहे हैं कि अब पीछे लौटने के दरवाजे बंद करके ही वो आगे निकल चुके हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल एयरपोर्ट से उस कॉन्वॉय को फॉलो करती रही और वो जो कॉन्वॉय था वो पहुंचा रेडिसन ब्लू इस होटल में, जहां पर तमाम विधायक मौजूद हैं, 40 विधायक मौजूद हैं और 54 कमरे इस होटल के बुक कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो पहले की बुकिंग्स थी वो भी कैंसिल कर ली गई हैं और आगे भी फर्दर भी नो बुकिंग्स का साइन बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। कहा गया है कि आगे भी कोई बोर्डिंग फिलहाल बुकिंग नहीं हो पाएगी और इसके अलावा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस होटल के हर चप्पे पर देखने को मिल रहे हैं। तो 32 से 33 विधायक सूरत में नजर आए लेकिन अब 40 विधायकों का साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ है। तो देखिए एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है। शिंदे को मनाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है, इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ कर उस लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल। तो क्या महाराष्ट्र में गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार? इस सवाल के पीछे की वजह शिंदे की वो शर्त है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। शिंदे ने ठाकरे से साफ कर दिया है कि वो शिवसेना में है और रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि शिवसेना कांग्रेस NCP को छोड़कर BJP के साथ मिलकर सरकार बना ले। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने करीब 15 मिनट तक बातचीत की। इससे पहले उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे से बात की। रश्मि ठाकरे की बातचीत के दौरान शिंदे ने कहा कांग्रेस NCP से गठबंधन करके शिवसेना अपने विचारों से भटक गई है। जो भी आपके मन में बात है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप यहाँ शर्तें रखेंगे या और कुछ करेंगे तो ये पार्टी का ये चरित्र नहीं है। एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को अपना दूत बनाकर भेजा था। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ कुल 34 विधायकों का समर्थन है। जानिया
सकते? गुड़िया सट्टी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। गुड़िया सट्टी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।